हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोमिंग जीत में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। अभी चल रही है बौखाली सीरीज, आज है लास्ट पार्ट जहां पर आपको हम ले जाएंगे फ्रेजरगंज फिश पोर्ट एंड क्रोकोडाइल सेंचुरी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्क्रीन में जो पिक्चर दिख रहा है वो ये दर्शाता है कि आप भारत के किस जगह का वीडियो देख रहे हैं, और पिक्चर में जो ब्लू लाइन मेंशन किया हुआ है वो मेरा जर्नी का पथ है कि मैं कलकत्ता से शुरू किया था, नामखाना होके बौखाली पहुँचा था। ये पिक्चर मैंने इसलिए दिया है कि आपको कभी भी जाने का प्लान करते हैं तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। पोर्ट है फ्रेजरगंज फिश पोर्ट, यहाँ पर यहाँ से नाव सब निकलता है। देखिए यहाँ नाव निकलने वाला है, अभी सब प्रिपरेशन चल रहा है। इंटरेस्टिंग बात है कि ये लोग 5-6 दिन के लिए निकल जाते हैं मछली पकड़ने के लिए और लौटते नहीं है। जब तक ना इसका मछली का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो जाता तब तक वो लोग लौटते नहीं है। 5-6 दिन नाव में ही रहते हैं, वहीं पर खाना खाते हैं, वहीं पर चढ़ते हैं और इन लोगों का लाइफ ऐसा ही चलता है। पकड़ने के लिए जो जाल यूज़ किया जाता है, ये जो देख रहे हैं ये 4 से 5 लाख रुपए का दाम है। और ये जो ट्रॉलर है और ये जो फुल प्रॉपर्टी है, 5-6 आदमी और ये जाल और ये नाव सब मिलके 70 से 80 लाख रुपए का लागत आता है और इन लोगों का लाइफ रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं पूरा जोरों शोरों से काम चल रहा है। अभी हम लोग का 9 तारीख हुआ है, 14-15 तारीख से इन लोगों का स्टार्ट हो जाएगा और जितना ट्रॉलर दिख रहा है एक भी ट्रॉलर नहीं रहेगा यहाँ पर। यहाँ पर जोरों शोरों से काम चल रहा है बर्फ लोड का। 4-5 दिन में जो मछली पकड़ते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए पूरा बर्फ लोड किया जा रहा है, पूरा नाव में बर्फ लोड कर रहा है सब। ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो जगह है यहाँ पर ये बर्फ तोड़ा जाता है। ये देखिए बर्फ अंदर घुसाया जा रहा है यहाँ पर। ये देखिए लास्ट साइट सीन है बौखाली का, क्रोकोडाइल सेंचुरी है और यहाँ पर हम लोग आए हैं क्रोकोडाइल देखने के लिए। पिछले आपको दिखाए थे बौखाली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इसको प्रिजर्व करके रखा गया। ये सब फेंसिंग आप देख सकते हैं और एक आवाज़ आ रहा है कुछ इंसेक्ट का। और ये जो फॉरेस्ट देख रहे हैं ये पूरा मैंग्रोव फॉरेस्ट है और इस तरफ हम लोग जा रहे हैं। देखिए घड़ियाल सेंचुरी में, तो ये तो खाना खा के पूरा रेस्ट कर रहा है, पूरा साइलेंट है यहाँ पर और बहुत डर भी लग रहा है। मुंह बाहर करके सांस ले रहा है, डुबकी मार देगा। अभी फाइनल जो है मछली इल्सा का झाल दिया, कॉम्प्लेट फ्राई एंड भेटी का फ्राई, ये देखे ख़त्म कर रहे हैं ट्रिप। अगर आते हैं